जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को जो है एक नाम और दिया गया है गोल्डन फाइबर का. इट ग्रोज वेल ऑन एलिवियल सॉइल्स एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अब इसके लिए क्या चाहिए, अगर इसको उगाना है जूट को, तो पहले तो जमीन एलिवियल सॉइल होनी चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अधिक मात्रा में रेनफॉल होना चाहिए और क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए. दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. अब ये मेनली जो है ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. मेनली इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पैदावार करती हैं जूट की. कॉफी. कॉफी रिक्वायर्स ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. अगेन कॉफी के लिए कैसा चाहिए, गर्म और गीला क्लाइमेट, यानी टेम्परेचर भी ज्यादा हो और बारिश भी अच्छी हो. साथ ही साथ जो सॉइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो वाटर बहुत ज्यादा रिटेन ना करे. हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप. अब ज्यादातर क्या होता है, हिल स्लोप्स पे जो है इस तरह के क्रॉप की पैदावार बहुत अच्छे से होती है. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. ब्राजील सबसे मेन प्रोड्यूसर है कॉफी का, लेकिन कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफी की पैदावार की जाती है. टी इज द बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस. अब प्लांटेशंस में कौन सा बीवरेज क्रॉप आता है, टी. दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. इसके लिए एक ठंडा क्लाइमेट चाहिए, साथ ही साथ बहुत इवन रेनफॉल चाहिए, वो भी काफी मात्रा में पूरे साल, ताकि उसकी जो मुलायम मुलायम पत्तियां हैं वो ग्रो कर सके. इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स. इनको थोड़ा सा ढलान वाले स्लोप्स चाहिए और साथ ही साथ सॉइल भी वैसी परकुलेट कर जाए, वाटर वैसी वाली चाहिए. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. बहुत भारी मात्रा में लेबर की जरूरत होती है ताकि वो इन पत्तियों को तोड़ सके. केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड. ये चार कंट्रीज जो ऐसी हैं जो कि दुनिया में सबसे अच्छी टी प्रोड्यूस करती है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है वो कोशिशें करना कि हम जो फार्म में प्रोडक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ा सके, ताकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को हम जितनी जल्दी पूरा कर सके. दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. अब ये हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए भी कई तरीके अपनाए जाते हैं. जैसे जो क्रॉप का एरिया है उसको बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ क्रॉप्स की तादाद बढ़ाई जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करी जाए, यहाँ तक कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाए और जो सीड्स डाले जाए वो भी बहुत हाई क्वालिटी के होनी चाहिए. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट माना जाता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. सबसे मुख्यता जो एम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो ये है कि जो फूड है उसकी तादाद को बढ़ाना. एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में दुनिया के डेवलप कर रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूज इट प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जितनी, जिनके में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो ज्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जो है प्रैक्टिस करती हैं, जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाता है छोटी छोटी जगहों पर, मेनली जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए यूज होती हैं, वो ज्यादातर यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी. विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री. अब हम दो केस लेंगे, एक एग्रीकल्चर का केस हम इंडिया का ले रहे हैं और दूसरा यूएसए का, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्रीकल्चर का जो मेन डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे होता है. जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को जो है एक नाम और दिया गया है गोल्डन फाइबर का. इट ग्रोज वेल ऑन एलिवियल सॉइल्स एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अब इसके लिए क्या चाहिए, अगर इसको उगाना है जूट को, तो
तो पहले तो जमीन एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अधिक मात्रा में रेनफॉल होना चाहिए और क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। अब ये मेनली जो है ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। मेनली इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पैदावार करती हैं जूट की। कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। अगेन कॉफी के लिए कैसा चाहिए? गर्म और गीला क्लाइमेट, यानी टेम्परेचर भी ज्यादा हो और बारिश भी अच्छी हो। साथ ही साथ जो सॉइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो वाटर बहुत ज्यादा रिटेन ना करे। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। अब ज्यादातर क्या होता है, हिल स्लोप्स पे जो है इस तरह की क्रॉप की पैदावार बहुत अच्छे से होती है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राजील सबसे मेन प्रोड्यूसर है कॉफी का, लेकिन कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफी की पैदावार की जाती है। टी इज द बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। अब प्लांटेशंस में कौन सा बीवरेज क्रॉप आता है? टी। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसके लिए एक ठंडा क्लाइमेट चाहिए, साथ ही साथ बहुत इवन रेनफॉल चाहिए, वो भी काफी मात्रा में पूरे साल, ताकि उसकी जो मुलायम मुलायम पत्तियां हैं वो ग्रो कर सके। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। इनको थोड़ा सा ढलान वाले स्लोप्स चाहिए और साथ ही साथ सॉइल भी वैसी परकुलेट कर जाए, वाटर वैसी वाली चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। बहुत भारी मात्रा में लेबर की जरूरत होती है ताकि वो इन पत्तियों को तोड़ सके। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ये चार कंट्रीज जो ऐसी हैं जो कि दुनिया में सबसे अच्छी टी प्रोड्यूस करती हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है वो कोशिशें करना कि हम जो फार्म में प्रोडक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ा सके, ताकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट को हम जितनी जल्दी पूरा कर सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अब ये हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए भी कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे जो क्रॉप का एरिया है उसको बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ क्रॉप्स की तादाद बढ़ाई जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करी जाए, यहाँ तक कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाए और जो सीड्स डाले जाए वो भी बहुत हाई क्वालिटी के होनी चाहिए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट माना जाता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। सबसे मुख्यता जो एम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो ये है कि जो फूड है उसकी तादाद को बढ़ाना। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों में दुनिया के डेवलप कर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूज इट प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जितनी जिनके हमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो ज्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जो है प्रैक्टिस करती हैं, जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाता है छोटी छोटी जगहों पर, मेनली जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए यूज होती हैं, वो ज्यादातर यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। अब हम दो केस लेंगे, एक एग्रीकल्चर का केस हम इंडिया का ले रहे हैं और दूसरा यूएसए का, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्रीकल्चर का जो मेन डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे होता है। अ फार्म इन द यूएसए, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द इंडियन फार्म। अगर एवरेज साइज देखा जाए किसी भी फार्म का यूएसए में, तो जो इंडियन फार्म है उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। एक कोई नॉर्मल टिपिकल अगर हम कोई फार्म ले लें यूएसए का, तो उसका साइज लगभग 250 हेक्टेयर्स होता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, ये लोग ज्यादातर जो है फार्म में ही रहते हैं।
Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. अब ज्यादातर यहाँ पे जो major crops उगाए जाते हैं वो है corn, soybean, wheat, cotton और sugar beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA, in Iowa state, owns about 300 hectares of land. अब Joe Horan, जो कि Midwest USA में रहते हैं और एक farmer हैं, उनका जो है Iowa state में लगभग 300 हेक्टेयर की जमीन है. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meets the need of his crop. अब वो जो है अपने खेतों में कॉर्न उगाते हैं पर इस बात को ध्यान में रख के या पहले पूरा श्योरिटी कर लेते हैं कि वहां की जो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से अवेलेबल हैं ताकि इस क्रॉप को उगाया जा सके. एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप. उसके बाद प्रॉपर कदम उठाए जाते हैं, प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि जो कीड़े हैं यानी पेस्ट जो है वो कहीं जो फसल है उसको खराब ना कर दे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स to the soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. समय समय पर वो अपनी soil के samples जो हैं soil testing laboratory में भी भेजते हैं ताकि ये पता चल सके कि जो soil है उसके अंदर जो nutrients हैं वो sufficient हैं या नहीं. The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. और इसकी वजह से क्या होता है कि Joe Horan जो हैं एक proper scientific fertilizer program को plan करते हैं और तब जाकर अपनी खेती करते हैं. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. उनके पास एक कंप्यूटर है जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट से लिंक है और उनको एक पूरी पिक्चर मिलती है अपने फील्ड की. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. इसकी मदद से क्या होता है कि वो जहां पर भी जरूरत लगती है वो वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agriculture operations. अब क्योंकि इनके पास काफी बड़ी जमीन है इसलिए ये जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं उसके लिए ये ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेवलर्स हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, यहाँ तक कि थ्रेशर भी यूज करते हैं. अब ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी. जो ग्रेन्स हैं वो ज्यादातर ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में रखे जाते हैं और फिर उसके बाद जो है मार्केट एजेंसीज को डिस्पैच कर दिए जाते हैं. द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. हमारे जैसे जो वहां के फार्मर्स हैं यूएसए के वो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे बिजनेसमैन काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ के इंडिया के एक नॉर्मल फार्मर की तरह नहीं. तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.